find the value of the limit this ठीक है अभी और किसी का डाउट बचा है जिसका डिस्कस नहीं हुआ इस पे आपका डिस्कस करता हूँ अभी सर एक जनरल क्वेश्चन है हाँ पूछिए uh, सर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक ही होगा ना दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है आप खुद चेक कीजिए जैसे ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट है इसमें आपको जैसे आप एक मिनट में ना दस सेकंड में प्रूफ कर सकते प्रोडक्ट है तो अब मान लीजिए इसका आपने ट्रांसपोज लिया तो क्या होता है ये ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी ए ए अब आपने कहा कि ये सिमेट्रिक है तो ये किसके इक्वल आया बी ए। अब आप सोचिए यहाँ पे कि क्या सॉरी यहां पे ए का ट्रांसपोज निकाला आपने किसके इक्वल आया है बी तो क्या हम बोल सकते हैं ए सिमेट्रिक है क्योंकि सिमेट्रिक कब बोल पाते हम जब ए का ट्रांसपोज हाँ जी ए आता ए तो नहीं आया हाँ जी हाँ इसलिए जरूरी नहीं है है ना क्योंकि ये एग्जांपल हाँ एग्जांपल लिख के किया था तो सिमेट्रिक ही आ रहे थे प्रोडक्ट हाँ तो करोड़ों एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करा मीन कि वो करेक्ट होगा आप एक ऐसा एग्जाम्पल लो जहां बी ए और ए बी डिट होता है लेकिन आपको ऐसा सोचो ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा जहां ए बी और बी ए डिफरेंट हो सिमेट्रिक में ये चेक करना पड़ेगा हमें है ना तो मतलब ये है कि ए बी खुद सिमेट्रिक हो ए सीमेट्रिक हो और बी सीमेट्रिक हो लेकिन प्रोडक्ट ऐसा हो कि जरूरी ना इक्वल ऐसा सोचना है हमें क्योंकि यहां अगर आप बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर ए बी आ जाएगा वो ये है और ए बी का ट्रांसपोज निकाला बी ए आ गया अब ऐसे डायरेक्ट तो हम नहीं ये तभी ऐसा जो आप कह रहे हैं ना ऐसा तब पॉसिबल है जब ए बी और बी ए इक्वल हो जाए तब ऐसा पॉसिबल है लेकिन ऐसा एग्जांपल आप ऐसा मैट्रिक्स लो कि ए बी और बी ए डिफरेंट आए सोचो ऐसा ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनाओ वैसे तो ढूंढना पड़ेगा थोड़े से इतना आसान नहीं है चलो ट्राई करते हैं जब तो तुम बना के देखो तुम लोग ऐसा कोई बनाओ जहां एक तो सिमेट्रिक का ध्यान रखना है कि ए सिमेट्रिक हो बी सिमेट्रिक हो लेकिन प्रोडक्ट सिमेट्रिक ना हो ऐसा बताओ कोई एग्जाम्पल मिलेगा देखो तुम लोग ट्राई करके देखो जहां ए बी बी ए इक्वल ना हो सीमेट्रिक लो लेकिन प्रोडक्ट इक्वल ना हो मिला टू टुक क्लस टू का ही ले लो बहुत सारे इन्फाइटली मेनी एग्जाम्पल मिल जाएंगे सर प्रोडक्ट तो सिमेट्रिक ही आ रहे हैं चलिए एक, एक एग्जांपल देते हैं आपको हम so, तो एग्जांपल जो है कि वन टू टू थ्री ये सिमेट्रिक है एंड फोर फाइव फाइव सिक्स सिमेट्रिक है जरा ट्राई करके कर देखो क्या आता है वन टू टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स वन टू टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स अब इसमें ए बी और बी ए निकालो जरा कितना आएगा सिमेट्रिक है ना ये तो ए ट्रांसपोज ए होगा यहां पे क्योंकि है ना और यहां भी बी ट्रांसपोज बी होगा अब हम ए बी निकालते हैं चेक कीजिए क्या ये सिमेट्रिक आएगा क्या आएगा ए बी बताओ मतलब थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको जैसे ना कुछ एग्जाम्पल होगा जहाँ नहीं होगा तो वो ढूंढना थोड़ा सा उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा बहुत सारे आपको नए नए एग्जाम्पल लेके ट्राई करना पड़ेगा कितना आया ये? ये नहीं आ रहा ना ये भी है yes. अच्छा नहीं ये नहीं है नहीं है ना वही कितना बताइए थर्टीन थर्टी एट थर्टी एट ओके तो ठीक है ना तो ये सिमेट्रिक नहीं निकला वैसा है बाकी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जहां सिमेट्रिक आ गया तो मतलब मे बी सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक है ना मे बी और मे नॉट बी इस तरह से और यहां शायद इसलिए भी होगा मुझे लगता है ए बी बी ए डिफरेंट होगा शायद इसीलिए आप बी ए निकालेंगे ना डिफरेंट मैट्रिक्स आएगा और आप जो ले रहे थे एग्जाम्पल्स आई थिंक उसमें ए बी बी ए सेम ही आ रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे एबीबीए डिफरेंट आएगा इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है